अगली खबर में बात करते हैं रीवा की, जहां कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में आयोजित बैठक में पूर्व मंत्री एवं विधायक रीवा राजेंद्र शुक्ल ने रीवा विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों की समीक्षा की। बैठक में श्री शुक्ल ने कहा कि जनप्रतिनिधि और अधिकारी मिलकर गरीबों के कल्याण के कार्य करें, शासन की प्रत्येक योजनाओं का लाभ हर पात्र हितग्राही को दे, योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी तरह की कठिनाई आने पर समन्वय से उसे दूर करें, एक दूसरे की शिकायत करने के स्थान पर योजना क्रियान्वयन की बाधा के वास्तविक कारण को दूर करने का प्रयास करें, वरिष्ठ अधिकारी और जनप्रतिनिधि जब योजना क्रियान्वयन की नियमित मॉनिटरिंग करेंगे तो उसके परिणाम बेहतर मिलेंगे। रीवा विधानसभा क्षेत्र के 8 ग्राम पंचायतों में नवंबर माह तक जल जीवन मिशन से नल से जल की आपूर्ति हो जाएगी, इस उपलब्धि का आगे बढ़कर स्वागत करें। जल जीवन मिशन की योजनाओं के संचालन के लिए सरपंच की अध्यक्षता में ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति का गठन करें। जिन घरों में नल से जल पहुंचे वे निर्धारित 100 रुपए की राशि अवश्य अदा करें, जिससे योजना लगातार चलती रहे। पूर्व मंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि रीवा विधानसभा क्षेत्र की प्रत्येक ग्राम पंचायत को दिवाली के उपहार के रूप में निर्माण कार्यों की सौगात दी जाएगी। सड़क तथा अन्य आधारभूत आवश्यकता के संबंध में सरपंच एवं जनपद पंचायत कार्य प्रस्तावित करें। विधायक निधि के मनरेगा से कन्वर्जेंस से इन्हें पूरा किया जाएगा, कम से कम 10 लाख रुपए के कार्य हर ग्राम पंचायत में कराए जाएंगे। ग्रामों के विकास के लिए सड़क बिजली पानी तथा शिक्षा जैसी सुविधाओं के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। श्री शुक्ल ने कहा कि मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान में 33 योजनाओं से पात्र प्रत्येक हितग्राही को लाभान्वित किया जा रहा है। आयुष्मान कार्ड, संबल कार्ड तथा श्रम कार्ड के पात्र प्रत्येक हितग्राही से आवेदन कराकर उन्हें कार्ड जारी कराएं। इसके लिए जनपद पंचायत तथा ग्राम पंचायत मिलकर प्रयास करें। आयुष्मान योजना से कार्ड धारी को 1 वर्ष में 5 लाख रुपए तक के उपचार कराने की सुविधा दी जाती है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड से 1800 गरीबों को हृदय रोग के उपचार के लिए स्टैंड लगाए गए हैं। संबल कार्ड तथा श्रमिक कार्ड से भी बीमा, छात्रवृत्ति, उपचार सहायता, अंत्येष्टि सहायता जैसे लाभ दिए जा रहे हैं। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन के कार्यों को, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि संबल योजना तथा अन्य विकास योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष नीता कोल ने ग्राम स्तर पर विकास योजनाओं के क्रियान्वयन की कठिनाइयों को दूर करने के लिए उपयोगी सुझाव दिए। बैठक में जिला पंचायत सदस्य आरती पटेल, गुलाब सिया, सरपंच संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर भूपेन सिंह, राजेश पांडे, एसडीएम मनगवा, एके झा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत रीवा विजय लक्ष्मी मरावी, एपीओ जीएन श्रीवास्तव, तहसीलदार हुजूर आरपी त्रिपाठी, जनपद सदस्य सरपंच, ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सहायक तथा संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। इतना बड़ा काम की योजना नहीं बनती, 3000 करोड़ रुपया पानी के लिए एक जिले के लिए, आप सोचो पूरे देश में कितने हजार करोड़ रुपया लगे, लाखों करोड़ रुपया लगेगा, लेकिन हो रहा है तो ये बहुत अच्छा, इसका हमें स्वागत करना है। और इसके लिए जो जल ग्राम जल स्वच्छता समिति बनी है, 2 महीने के बाद तो आपको ही पैसा देना है पानी का, 1.35 रुपये प्रति लीटर, 1.25 रुपये पर 1000 लीटर। तो वो तभी होगा जब आप हर घर वालों को ये कन्विंस करेंगे कि देखिए मानने, जैसे मेरा निवेदन है कि जब पाइप लाइन पूरा नहीं हुई है तो हम कैसे घर घर पानी दे पाएंगे। रीवा विधानसभा से जो जो कनेरा वाला आपके सामने रखा हुआ है पाइप लाइन पहुंचने के पीछे कितने परसेंट है उसमें कागज में साफ है, एक एक सरपंच से बातचीत कर लिए हैं सरपंचों से, एक एक ठीक है इसकी मॉनिटरिंग कर लेंगे।